नमस्कार, जय सील सी दोस्तों। मेरे साथ आज मेरी बहुत लाडली बेटी डॉक्टर नीतू रोच, अब डॉक्टर नीतू बेनीवाल है। 2006 में आप सिलेक्ट हुए सीएलसी से। 2006 का मतलब ये हो गया कि डी आज 15 साल बाद आप वापस सीएलसी आए। मैंने कहीं पढ़ा था एक कोटेशन कि किसी व्यक्ति की रियल प्रॉपर्टी देखनी है तो आप ये देखो उसके पास बचपन के कितने दोस्त हैं। तो मैं इसको एज ए टीचर जोड़ूं मेरे साथ, एज ए संस्था जोड़ूं मेरे साथ, तो किसी संस्था की जड़ें देखनी है, उसका वर्तमान देखना है, उसका भविष्य देखना है, तो आपको ये देखना होगा कि कब तक के बच्चे जुड़े हुए हैं सीएलसी के साथ। 2021 में हम लोग खड़े हैं, आज 19 सितंबर 2021 है। आप 2006 में सिलेक्ट हुए, मैं आपका पूरा दे दूं परिचय। आप नीतू रोज हैं, मेरे अच्छे मित्र, मेरे भाई हरिचंद जी रोज आपके पापा का नाम है, फतोही एक जगह हनुमानगढ़, आप वहाँ के रहने वाले हैं। आपकी शादी हमारे कंवर साहब डॉक्टर साहब ब्रजमोहन जी बेनीवाल के साथ हुई। आप पीलीबंगा से हैं, हनुमानगढ़ में आपका बेनीवाल हॉस्पिटल के नाम पे बहुत अच्छा सेटअप आपने दोनों पति पत्नी ने मिलकर स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत देता हूँ शुभकामनाएं बेटा कि आपने जो सपने मैंने देखे, आपके पापा ने देखे, आपने देखे, वो आज मूर्त रूप में है। 2006 की सीएलसी और 2021 की सीएलसी नो डाउट आप कंपेयर कर सकते हैं। आप वो टिन सेट की मैस में खाना खाते थे, आज एक शानदार मैस यहाँ है। आपके अलग क्लासरूम थे, आज एक अलग क्लासरूम है। बट उन सबसे ऊपर है कि 2006 से लेकर 2021 तक सीएलसी के बच्चों का जुड़ाव है, जुड़े हुए हैं, ये जड़ें हैं सीएलसी की। तो निश्चित रूप से इसका फ्यूचर हमेशा अच्छा था, आगे और अच्छा रहेगा। तो मैं सीधा अब नीतू पे आता हूँ। नीतू, आप अपनी फर्स्ट डे से लेके सीएलसी में आप थे वो जर्नी बताएं, उसके बाद अपनी जर्नी बताएं और आज आपको कैसा फील हो रहा है। मैं चाहूँगा कि लोग सुनना चाहेंगे कि आज इस कॉमर्स के ज़माने में जहाँ कोचिंग लोग दुकानें मानते हैं, उस दौरान भी, उस दौर में भी आज आप और मेरे बीच एक वो रिश्ता पिता पुत्र जैसा, पिता पुत्री जैसा जो घर में होता है, परिवार में होता है, आप क्या कहना चाहेंगे, पूरी यात्रा बताएं अपने बेटा। मैं कोई ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं हूँ। पापा खेती करते थे, 3 बहनें और 1 भाई, तो छोटी छोटी लड़की, तो ज़्यादा पैसे नहीं थे। 12th में भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं बने, 70%, तो उसके बाद की बेटा घर बैठ जा, पढ़ाई घर पे की जो भी हुई थोड़ी बहुत, पर वो फर्स्ट टाइम में मैं सेलेक्ट नहीं हुई, मेरी कोई पीछे रैंक थी। मैं आपसे मिली बॉस 2005 में अजमेर काउंसलिंग में मिली होगी, तब 2005 में अजमेर काउंसलिंग हुई थी, अजमेर काउंसलिंग में मिले थे आप, तब मैं आपसे मिली पहली बार। आपसे थोड़ा सा वार्तालाप हुआ, आपने मेरी मार्कशीट देखी और कहा कि अगर डॉक्टर बनना है तो सीएलसी आ जाना। आपने अपना एक लैंडलाइन नंबर दिया वहाँ, उस टाइम मोबाइल था ही नहीं उस समय, तो लेके घर चली गई। घर पे भी घर वालों ने कहा नहीं, कोई एमएससी बीएससी कुछ कर लो और बस बहुत है। हमारे गांव में भी ज़्यादा फ़ोन नहीं होते थे, कोई एक ताऊ जी के घर पे फ़ोन होता था, बड़ी मुश्किल से वहाँ जाके और शाम के टाइम मैंने फ़ोन मिलाया, और बहुत ही किस्मत की बात थी कि वो फ़ोन आपने ही उठाया। मैंने नाम लेते ही आपने कहा कि गुदड़े बांध और राजा। गुदड़े का मेरा मतलब होता है अपने बेड बेडिंग पैक कर लो, अपना हमारी भाषा होती है गुदड़े बांध। और घर में मेरी माँ ने अच्छा सपोर्ट किया मुझे। क्या बात, बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर किसी जाट के घर में काम करना है तो 12 पढ़ के कर, चाहे बीएससी करके कर, काम तो उतना ही करना, फिर वो पढ़ना है तो तू जा। पैसे ज़्यादा नहीं थे बॉस, सुबह सुबह हम पापा और मैं यहाँ आए, मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि बॉस मेरे पास पैसे नहीं, और आपका वो शब्द मुझे आज भी याद है, आपने पैसे मांगे मैंने तेरे से। और सच में उस ज़माने में जब मुझे ज़रूरत थी आपने मुझे फ्री पढ़ाया, फ्री खिलाया पूरे 1 साल, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी अटैचमेंट की वो भी दिया, मुझे गाइड किया कैसे पढ़ना है क्या छोड़ना है। उस टाइम हम 13 लड़के और 13 लड़कियां एक ही कमरे में रहे थे, बिल्कुल रूम 12 और 13 में, 12 और 13 में रहे थे हम, 26 तो सब सेलेक्ट हैं, वो सब 26 के 26, 26 के 26 सीएलसी। आप एक मिनट रोको, में सीएलसी में हमेशा रिजल्ट बना, 26 बेटे बेटियों को एक साथ ग्रुप बनाया, 2006 में सबके सब बच्चे सेलेक्ट हुए, वही नेचर आज है, वही फितरत आज है। हाँ, मुझे सब कुछ मिला बॉस, मैंने कभी घर पे दोबारा पलट के फ़ोन नहीं किया। पैसे मनी ऑर्डर से आते थे वो 4 महीने से 6 महीने से आते थे मेरे पास, इससे जल्दी कभी पैसा घर से आया नहीं, वही कोई 2000 कोई 1800-1700 रुपये। पर सीएलसी की तरफ से कभी मुझे ये नहीं कहा गया कि तेरी फीस नहीं है, लिटरली नहीं कहा गया। इसीलिए जब आज मैंने बच्चे का एडमिशन कराया तो मैंने कहा मैं फीस के लिए बॉस के पास। मैं आज एक बात बहुत अच्छी कहना चाहूँगा, इन बच्चों का मैंने सेव किया, जो भी हमारा कोई रिश्ता था पूरे जन्म का,
आज जब आप एडमिशन लेके आए तो आपने कहा मैं फीस पूरी पे करूंगी, ये आपकी सद्भाव है, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, आप सक्षम बन जाए तो आपको हमेशा उस पेड़ को पानी देना चाहिए जिस पेड़ ने कभी आपको छाया दी। आज आप अगर किसी को छूट कर रहे हो तो उसको करो जो मेरे जैसा जरूरतमंद है। मेरे पास चार पैसे हैं, मैं आपको नहीं दूं तो मैं ये ठीक नहीं है। पर उस टाइम जो सपोर्ट मिला ना, जो पढ़ने का तरीका सिखाया गया वो नहीं पता था। वहां क्या उस टाइम मॉडर्न फिजिक्स एक चीज होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव और ये पढ़ाते थे, मैंने कभी पढ़े ही नहीं बॉस। उससे पहले मैं दो बार एग्जाम दे चुकी थी, मुझे नहीं पता था इसमें इतने क्वेश्चन आते हैं क्या। सही बात, वो चीज मुझे बताई गई कि मॉडर्न फिजिक्स में से 15 सवाल। टीचर था इनके टाइम, हम फुल फ्लेश टीचर था, फुल फ्लेश टीचर था उस समय। एक कॉपी में फिजिक्स कराई थी, वो कॉपी शायद आज भी पड़ी हुई कहीं दबी हुई आपकी। एक कॉपी में पतला रजिस्टर था और सच में उसी में से सवाल थे। नहीं, यहाँ मैं अक्सर बात कहता हूँ, एक बाल्टी छाछ नहीं पिलाई कभी हमने, हमने 15 मक्खन खिलाया। कॉपियां भरवाना कोचियां काम नहीं। आजकल क्या है, बहुत सी कोचिंग, बहुत से टीचर कॉपियों पे कॉपियां, आपने 10 कॉपी भरवा दी किसी को, क्या करते हो आप? अननेसेसरी, जो ना पढ़ सकते हो आप, ना उसको पढ़ के याद कर सकते हो, ना उसमें से आउटपुट दे सकते हो एग्जाम में आप। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया। उस टाइम हमारे टाइम में उधर वाली बिल्डिंग थी लक्ष्मी निवास, और वो बिल्डिंग बस वही थी, वो भी आधी दूरी बनी हुई, हम बेसमेंट में बैठ के पढ़ते थे आप लोग, वही बेसमेंट में वही पूजा होती थी, वही पढ़ते थे। तो जो माहौल यहाँ मिला ना, मुझे नहीं लगा कि कभी कहीं और मिल सकता है क्या। आज जो मैं बच्चा छोड़ने आई हूँ उसको भी मैंने ये नहीं कहा तू वहाँ जा, मैंने उसको क्रैश कोर्स ज्वाइन कराया, मैंने कहा तू जितने लाइव वो करते ना वो लाइव देख, उसके बाद तू डिसाइड कर लेना तेरे को जाना है या नहीं जाना है। और उसने आपके लिटरली मैं भी उसके साथ आपका लाइव मैंने लास्ट वाला देखा, हरे गासरी रोटी। क्या बात, पापा आए हुए थे, पापा के मन की इच्छा थी कि मेरा एक बच्चा अरे सो भाई नहीं पढ़ा बस उसका तो क्या अभी आजकल घर पे ही है, कुछ नहीं कर रहा बस। उसको मेरे पास भेज दो, मंत्र है बस उसको भेज के तेरे को याद कर रहा है। नाम क्या उसका? मनोज। यस यस, उसको भेज मेरे पास भेज। वो लाइव देख के मैंने कहा पापा अगर आप मेरे बच्चे संभाल लो ना तो मैं 2 IAS के लिए पढ़ने जाना जा रही हूँ। मतलब इतना मोटिवेशन है, अगर कोई ढंग से सुने उस चीज को, आत्मसात करे तो जो आप बोलते हो उसमें इतना मोटिवेशन है। सच्ची बात कह रही हूँ, मेरे बच्चे संभाले। मतलब हर एक हाथ की रोटी इसलिए गाई जाती है कि आप डॉक्टर हैं, पीजी ऑर्थो गायने के अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे कंवर साहब ऑर्थो के डॉक्टर हैं, बढ़िया हॉस्पिटल है, फिर भी वो कविता सुन के तो वो लोग कहते हैं कि जिंदा मुर्दा हो जाए। आज बात साबित हो गई वापस एक बार। वो उस टाइम पापा और मैं साथ में बैठ के देख रहे तो मुझे समझ आ रहा था कि उस आदमी को क्या चाहिए, चाहता है कि कोई एक अधिकारी हो मेरा बच्चा। सही, मैंने हम सब सेट हो गई, बच्चे हो गए, अब फिर भी मेरा मन कर रहा था कि पापा दोनों बच्चे अगर आप ले जाओ ना तो मैं 2 पढ़ लूं, अभी तो मैं ओवर एज नहीं हूँ, दे सकती हूँ एग्जाम। तो मेरा कहने का मतलब मेन मोटिव यही है कि अगर आप सच में सेलेक्ट होना चाहते हैं, सच में आप कुछ बनना चाहते हैं तो इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा, 2006 की विजयोत्सव की फोटो है, वो देखो स्क्रीन पे आएगी पीछे से पड़े अभी, ये 2006 की। अब मेरे पास एक डॉक्टर नीतू हॉस्पिटल की मालिक ओनर है, और ये देखो एक बहुत ही गांव की मासूम सी बच्ची जो पुरस्कार ले रही है, ये 2006 का विजयोत्सव का पुरस्कार है हमारा। प्लीज बेटा, और क्या कहना चाहते हैं आप नई जनरेशन को, क्योंकि आपके बाद एक और जनरेशन आगे मानते हैं ऐसा। बिल्कुल आगे, हमारे बाद हमारे बच्चे पढ़ने लग गए तो एक और जनरेशन आगे। बस मेन बात तो ये है कि आपको पहले अपना टारगेट सेट करना होगा, आपने कहाँ जाना है, किधर जाना है। बहुत चमक दमक है, बहुत नेट और पता नहीं क्या क्या कचरा भरा पड़ा है, बर्बादी के रास्ते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पहले से हमारे टाइम में इतना नहीं था, मतलब गलत रास्ते ज्यादा है, नहीं थे उस समय। तो अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है और आपने कुछ बनना है तो ऐसी संस्था से जुड़े, पढ़ना पड़ेगा। सफलता मेहनत के बिना नहीं मिलती है। अगर आप ये चाहते हो हमें स्पून फीडिंग करा दें और हम सफल हो जाएं तो नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पर मेहनत करने का रास्ता दिखाने वाला भी चाहिए, अंधी मेहनत से कुछ नहीं होने वाला। अंधी मेहनत हमने घर बैठ की थी। मैं बताऊं नीतू के बारे में, इसने घर पे प्रिपरेशन की, ये बच्ची सिलेक्ट नहीं हुई। अजमेर काउंसलिंग चलती थी उस समय, तो मैं काउंसलिंग में गया था, मैं जाता था बच्चों के साथ काउंसलिंग में, तो ये वहां मुझे मिली। तो ये कोई रिश्ते होते हैं पूर्व जन्म के, लैंडलाइन फोन दिया, आपका फोन आना, रिसीव फोन, मुझे आपके साथ कमला वो सब लड़कियां हुई थी, पूरा ग्रुप सेट था 26 के 26। 2006 में एक ग्रुप होता, पूरा कपड़ा सेट होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ मैं वही हूँ, मैं वही श्रवण हूँ। आपको नीतू बनना है, आपको इस तरह के बच्चों की तरह बनके साथ जुड़ना हमारे। अब तेरे को आज कैसा लग रहा है, मतलब तू उसके बाद आज सीख रही होगी? बिल्कुल,
2006 के बाद आज ही आई है। एक बार बीच में आई थी पर आपसे मिलना नहीं, नहीं, नहीं हुआ। तो तेरे को क्या लगा सीएलसी में, तेरे को क्या 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 तो चेंज लगा, क्या क्या चेंज नहीं लगे? चेंज तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी, अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब थोड़ा अपडेट हो गया, रोना भी चाहिए, वैसा काम नहीं चल सकता, बाकी कोई बदलाव नहीं है बॉस। आपने जो मुझे एंटर करते ही पहचाना ना, मेरे को उम्मीद दी थी, मुझे लगा क्यों भाई मेरी मेमोरी कमजोर मानती है क्या? नहीं बेटा, मैं इतनी मेमोरी कमजोर नहीं, और नाम इतना दुर्भाग्य है कि मेरी औलाद के नाम भूलूं भैया। मुझे लगा शायद, पर जैसे मतलब वही आपका तरीका, वही एनर्जी, वही टीम वर्क, बाहर भी मैं जाके आई हूँ आपके लोगों के साथ, वही वो सीएलसी में बाबा का आशीर्वाद रहा, अच्छे लोग हमेशा साथ रहे, तो लगभग एनवायरनमेंट लगभग वही है, बस आपको कौन सी तरफ जाना है चूज करना पड़ेगा। हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे भी बुरे भी, आपने किधर जाना है वो आप पे डिपेंड करता है, पर ज्यादा चेंज नहीं है बस, वही जोश है। आपका ये मतलब है कि समय के साथ अपडेट हुआ है, संसाधन बदले हैं, मूल चीज वही है, अगर आप खाना खाया तो नहीं, मैं बिल्कुल वही खाना है, वो वही टेस्ट है, और मतलब मेरे घर से ज्यादा अच्छा है बेसिकली, मैं कहूं तो बस वो मैस का रूम चेंज हो गया, बाकी कुकिंग वही है। नीचे बैठ के खाते थे, टीन की शेड थी और वो चूल्हे पे रोटियां सेकता था, क्या नाम था उसका, भाई का नाम भी नहीं याद आ रहा मुझे, कमला नाम था उसका मेरे ख्याल से, अच्छा कुछ नाम था उस लड़की का, वो कटोरी से ही रोटी घी लगाते थे, घी लगा लगा के देते थे हमें, पर अपडेट हुआ है बस। तो मैं एक बार फिर से बात को समराइज कर देता हूँ कि किसी व्यक्ति का वजूद देखना हो तो उसके पुराने मित्रों को या संस्था के पुराने स्टूडेंट्स को देखें, वो जुड़े हुए हैं, नो डाउट एक आधार है, एक बेस है, इसलिए हम कहते हैं कि सीएलसी सुरक्षा है, शिक्षा है, संस्कार है, और हरे घास की रोटी सुन के आज एक स्टेबल डॉक्टर कहता मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूँ, इसका मतलब हम एक सही राह पे काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ बेटा जी, जिंदगी में भूलता कोई किसी को नहीं है, कई बार लोग बड़े बन के दिखावा करते हैं, तू अपना बहुत बड़ी है, फिर भी तू उसी संस्कार से मिली मेरे से, जैसे वही मेरी 2006 की नीतु है, तो डॉक्टर नीतु बन के नहीं मिली मेरे से, हाँ बिल्कुल एक सिंपल बच्चा और एक बहुत स्टेबल डॉक्टर है, और आप देखें आपकी बिल्कुल वो एक वही आपकी भावुकता, वही आपका एक भोलापन, आपके चेहरे पे वही भोलापन है, इसका मतलब आज भी आप जिंदगी को ग्रास रूट पे जी रहे हैं। मैं जब भी किसी से बात करती हूँ, हमारा ओटी में केस चलता है, एनेस्थेटिस्ट आते हैं, हमारी बात चल जाती है, तो मैं हमेशा आपका नाम, अब तो वो मतलब जानने लग गए हैं कि आप श्रवण जी की बात कर रहे हो, मेरे को मतलब बस शायद ये अतिशयोक्ति लगे आपको, पर मेरी जिंदगी में मतलब आपका मिलना दैट्स अ गुड लक, अगर आप नहीं मिलते तो शायद, अरे नहीं नहीं वो आपकी बेटा, ये आपके संस्कार है, शायद वो उस पर मेरे को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, और मैं क्या कहूंगा, जो चाहिए था वो दिया। ये हम सीएलसीएल से, हमारा एक अलग धर्म है, हमारी एक अलग जात है, मतलब कल किस्सा बताऊं, कल एक गार्जियन मिले मेरे को, बोले हमारी वो 3-4 लड़कियां, वो कल क्या वो जो एक मैं कल गया था लाइव करने बुहाना के पास, तो उनके 3 बेटियां और 3 डॉक्टर है, बेटे के भी 700 नंबर आ रहे हैं नीट में। अच्छा। तो वो जय सिंह जी फौजी भाई हैं, उन्होंने कहा कि इस पूजा का मैं कराने गया रहा जीएमसी कोटा में, तो मेडिकल होता आप क्या फर्स्ट ईयर, तो वो जो डॉक्टर बैठे थे, तो चारों लड़कियां मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हो, सीकर से आए, तो सिल से आए हो, फिर हाँ बॉस के पास से आए हो, और मैं भी बॉस का चेला हूँ, उस बंदे ने 2 मिनट सारा काम कर दिया उनका, जबकि वहाँ 1 घंटा लग जाता है, उनका जब बॉस ने आपको भेजा है तो आप सब सक्षम है। तो हमारा एक अलग ईमान है, अलग जात है, अलग धर्म, उसका नाम सीएलसी है, और वो सीएलसीएन है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि नीतू जैसे बच्चे जुड़े रहे सीएलसी से, और मैं वही श्रवण बना रहा हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ मेरे स्टाफ से कि आप श्रवण को जिंदा रखो, क्योंकि सीएलसी खड़ी श्रवण ने की है, श्रवण चौधरी ने की है, जैसे आप श्रवण आप नीतू बने रहे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे आसान कुछ बेटा है ना, तो केवल पैसा कमाना है, पर केवल पैसा कमाना जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए, आपकी शोहरत, आपका ईमान और आपके अपने कितने खुश आपसे, ये होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज की वार्ता को इंटरव्यू नहीं कहूंगा मैं, एक पिता पुत्री की वार्ता को पूरा करते हैं, ऐसे ही मेरे जो बच्चे जहां भी हैं आप सीएलसी आए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, जय सीएलसी।